पटना में बेवफा चाय वाला, रैपर चाय वाला, आईआईटीयन चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाली, आत्मनिर्भर चाय वाली के बाद अब बीबीए मैगी वाला सामने आया है। एसकेपुरी पार्क के सामने राजीव नगर में रहने वाले रिशु राज ये स्टॉल लगाते हैं। रिशु ने तमिलनाडु के कॉलेज से बीबीए किया है। वही रिशु का कहना है कि मार्केट में बहुत सारे चाय वाले आ गए हैं, अब उन्हें टक्कर देने के लिए बीबीए मैगी वाला उतरा है। रिशु बताते हैं कि वो नौकरी करते थे लेकिन उन्हें 7,000 रुपये सैलरी मिलती थी। इसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर अभियान से प्रेरणा ली। उनके स्टॉल पर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो भी लगी है। बातचीत में रिशु ने बताया कि मार्केट में नौकरी नहीं है और ऐसे में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सरकार का भी कहना है कि आत्मनिर्भर बनो। बीबीए की पढ़ाई करने के बावजूद भी कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिली और जो नौकरी भी मिली तो उसकी सैलरी कम होती थी। मुझे लगा कि मुझे अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहिए और इसलिए मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। इसके साथ ही बीबीए मैगी वाले ने बताया कि घर वालों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और ऐसे में मुझे कुछ तो करना ही था। उन्होंने सोचा कि मैं मैगी का स्टॉल खोलकर अपने घर वालों की मदद कर सकता हूँ। मैंने यही सोचकर स्टॉल खोला है क्योंकि मार्केट में देखिए मैम जॉब है नहीं और बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ रही है और सरकार भी बोल रही है आत्मनिर्भर भारत बनो। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि अपना बिजनेस खुद से स्टार्टअप करो, इसलिए मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है। आपने मैगी का ही बिजनेस क्यों? क्योंकि मार्केट में चाय वाले लोग कुछ ज्यादा ही बढ़ गए थे तो टक्कर देने के लिए कोई अपोजिशन होना चाहिए ना, तो बीबीए मैगी वाला आ चुका है। अच्छा, तो आपने बीबीए की पढ़ाई की है? जी हाँ, मैं बीबीए ग्रेजुएट हूँ, तमिलनाडु कालाशनिंगम यूनिवर्सिटी।